तो भी लोग क्या चल मेरे यार, तो मैं लेके आ चुका हूँ और एक नई वीडियो। यार इस वीडियो में आ जाता हूँ रोज वॉक में, ऊपर देखता हूँ तो यार मुझे बंदे दिख जाते, एक स्क्वाड भी आ चुकी थी यहाँ पे। पर यार यहाँ पे मैं लैंडिंग करके गन अच्छी खासी मिल जाए तो यार मज़े आ जाएंगे, इसलिए यार गन वगैरह ढूंढता हूँ। पर यहाँ पे मुझे पिस्तौल मिल जाती है जो कि देसी कट्टा, इस वाले बंदे की गोली चिपक जाती है। उसके बाद यार मैं नीचे आ जाता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक जो पिस्तौल है वो मिल जाती है। तो इसको ले गया साइड वाली बिल्डिंग में, बहुत तक डाली फूस्टे पा रही थी, इस वाले घर में आ जाता हूँ। जैसे ही रश मारता हूँ तो बंदा यार यहाँ पे मॉली मार देता है, जो कि मॉली मुझे चिपक भी जाती है। उसके बाद यार मॉली का चिपक जो खत्म हो चुका था, उसके बाद सीधा रश मार देता हूँ, पर यार बंदा फिर से यहाँ पे मॉली डाल देता है। तो उसके बाद मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ तो बंदा यहाँ पे रश मार देता है मेरे ऊपर। तो यहाँ पे रिलोड पे आ चुकी थी, मैं पीछे आ जाता हूँ, पर बंदा यहाँ कॉन्फिडेंस में था इसलिए आ जाता है सामने मेरे। पर भैया जी की पिस्तौल में जो एमो थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए भैया जी भागने ही लगते। तो ये बंदा यहाँ पे भागे जाता है, मैं इसके पीछे लगता हूँ, इसको छोड़ता नहीं हूँ, इसके पीछे क्या भी होंगे इसको मारूंगा, इसलिए उसके पीछे ही लग जाता हूँ। तो बंदा है तो यार भागते ही जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। पर यार इसके बाद यार इसको मारता हूँ तो मेरे भी एमो खत्म हो जाती है, पर इस वाले बंदे ने मुझे एक मुक्का मार देता है, पर इसको मैं भी मार देता हूँ। तो भैया जी यहाँ पे नॉक हो चुके थे, इस वाले बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद इस पर छोटी छोटी सी वेस्ट वो मिल जाती है, इस लेके यार शॉटगन मिल जाती है मुझे साइड वाले घरों में से। तो इसको लूटने के बाद साइड वाले घरों में से शॉटगन लेके इधर तगड़ी वाली फायरिंग हुई थी इधर आ जाता हूँ। तो इस वाले बंदे को निपटा दिया था, पर मैंने इस वाले बंदे को निपटा दिया, अपना पुराना डायलॉग है। इस वाले बंदे को पूरा मार के इसके पास ही थोड़ा सा गन वगैरह ले लेंगे। तो लूट लाट के इधर आ जाता हूँ, मैं तगड़ी वाली फुस्टे पा रहे थे यार इसको यहाँ पे, मतलब यार मुझे लगा बॉर्डर है, मुझे लगा बंदा होगा, पर यहाँ पे बॉर्डर निकलती, इन वाले बॉर्डर को मार यार इस तरफ आ जाता हूँ। इस वाले घर में से बहुत तगड़ी वाली फुस्टे पा रही थी, तो इस वाले घर की जैसे नीचे आता हूँ तो बंदा कूद जाता है नीचे और मेरे ऊपर रश कर देता है। पर यार यूजी से कोई बचता नहीं है यार, इस वाले बंदे को पूरा ही मारने के मूड में था मैं। इस वाले बंदे को जैसे ही पूरा मारने जाता हूँ, इसका बंदा यार गुस्सा हो जाता है, मेरे पे रश कर देता है। पर बंदे का एम ही नहीं होता यार, कौन सा नशा फूके था, पर बंदा मार ही नहीं सकता मुझे, इसलिए यार इसको मार देता हूँ। रोजक में यार पूरा खाली हो चुका था, इसलिए यार मैं लूट लाल की इधर आ जाता हूँ। तो यार मैं यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट में आ जाता हूँ, उस वाली बिल्डिंग के साइड में आ जाता हूँ, मतलब कि यार उस वाली बिल्डिंग में जाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि यार बंदा सोलो था इसलिए यार कैंपिंग तो करेगा कंपलसरी। इस वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ, छत पर आके यार यहाँ से थोड़ा टी वी भी लेता हूँ, तो बंद यहाँ पे एक फ्री नेट डाल देता हूँ। मुझे लगा बंदा बिंदा होगा तो मर जाएगा, पर बंदा यहाँ पे बाहर ही भागते हुए आता है। जैसे ही यहाँ पे नेट फटता है तो बंदे को थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, तो बाकी का काम हम एकेएम से कर देते हैं। इस वाली बिल्डिंग में से यार उस वाली बिल्डिंग में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर भी आ जाते हैं, तो इस वाले बॉर्डर को मार देता हूँ। उसके बाद उस वाले बंदे को लूट लाट के इधर आ जाता हूँ मैं। तो यार देख सकते हो यार बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे फायरिंग आ रही थी यार, पता नहीं यार बहुत ही तबाही हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था यार अच्छे खासे किल हो जाएंगे, यहाँ पे होते भी किल, पर यहाँ पे तीन बंदे थे यहाँ पे जो कि यार मेरे ऊपर सीधा रश मार देते हैं। तो यार मुझे फुटस्टेप तो आ ही रहे थे, बंदा जो कि थे हमारी तरफ ही भागते हुए आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टी वी लेता हूँ, जो कि बंदा यहाँ पे घर में से इधर आ भी जाता है। इस वाले बंदे को जैसे नॉक करता उसका दूसरा बंदा भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि फायरिंग ही कर ही जाता है इसका। जैसे ही गन रिलोड पे आती है इस वाले बंदे को पेल देते हैं। उसका जो तीसरा बंदा था पता नहीं रिवाइव करने के मूड में था, मुझे देखता नहीं सीधा रिवाइव करने भाग जाता है। देखना यहाँ पे मैं टी वी भी लेता हूँ, ये देखो, मतलब कि सस्ता नशा पबजी मोबाइल में सस्ता नशा। तो इस वाले बंदे को सबको यार पूरा ही निपटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था, उसका जो चौथा बंदा है यहाँ पे हो सकता था यार छुप छुप के यार मार भी सकता था मुझे, इसलिए यार थोड़ा सा डर किधर की फ्लाइंग मार के यहाँ पे सबको निपटा देता हूँ। उसके बाद यार यहाँ पे थोड़ा सा लूट के आगे आ जाता हूँ, तो सामने मुझे गाड़ी दिख जाती है जो कि यार भगा रहा था बंदा। तो यहाँ पे गाड़ी रोक के यार मैं यहाँ पे इस वाले बंदे को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, पर ये बंदा यार घिसरते हुए जाके फिर से रिवाइव हो जाएगा यहाँ पे, देखना। तो बंदा यार घिसरते हुए जा रहा था, यहाँ पे थोड़ी फायरिंग देता हूँ, पर यहाँ पे फायरिंग काम करती नहीं है मेरी, बंदा यहाँ पे कवर में जा चुका था। तो उसके लिए यार मैं यहाँ पे एक नेट डाल देता हूँ, मुझे लगा यार नेट से कुछ होगा नहीं, पर यहाँ पे फ्री नेट डाल देता हूँ। पर इस वाले नेट से यार बंदा तो कंपल्सरी फट ही जाता है यहाँ पे, यार बंदा फट चुका था। इसको दूसरे बंदे को थोड़ा सा एक मतलब एक गोली चिपक जाती है। उसके बाद यार यहाँ पे गाड़ी लेता हूँ मैं, गाड़ी लेके यार सीधा ही रश मार देता हूँ। तो बंदा यार गाड़ी के गोल गोल घूम रहा था, मुझे लगा उसको उतर के मारना पड़ेगा, पर बंदा गाड़ी के नीचे आ जाता है वही खुद। इस वाले बंदे को मार देता हूँ। उसके जो दो बंदे थे मतलब कि यार मतलब थर्ड पार्टी होगी शायद से, वो यार फायरिंग कर दिया यहाँ पे। पहले गाड़ी फुर्सत में गाड़ी निकाल के इस तरफ आ जाता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से थोड़ा एंगल लेने की सोचता हूँ मैं, इसलिए यार थोड़ा सा बूस्ट होकर मार लेता हूँ। पर यार ये देखो, तो बंदा यार आराम से पीक करके यार मुझ पर निशान ले रहा था, जो कि चिपका भी देता है मुझे M24। पर यहाँ पे थोड़ा सा बच जाता, मेरी लक अच्छी थी यहाँ पे।
उस वाले बंदे को यार कोई AWM से मार देता यार, फिर यहाँ पे कोई सब लोग यार कार 98 AWM वही चला रहे थे यार, इसलिए यार इधर आ जाता हूँ। तो इस वाले बंदे के पास यार मैं M24 लेता हूँ, मतलब कि स्नाइपिंग के मूड पूरे मूड में था मैं स्नाइपिंग करने के लिए यार यहाँ पे ले लेता हूँ। पर यार बंदे यहाँ पे रश मार देते सीधे, तो यार इन वाले बंदों को कैसे निपटाऊंगा देखना। तो ये वाला क्लच अच्छा लगा तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसी क्लच लाते रहूँगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। तो इन वाले बंदे को जैसे ही मारता हूँ यार ये पे मुझे नेट फटने की साउंड आ जाती है, जो कि यार दूसरा बंदा भी यहाँ पे आ चुका है जो कि यार थर्ड पार्टी करने के पूरे मूड में था। तो यहाँ पे क्या करता है, एक स्मोक मेरे पास कर देता हूँ, एक स्मोक पीछे कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बंदे को लगा लगे कि यार बंदा स्मोक करके यार पीछे जा चुका है, ऐसा लगे यार, इसलिए यार पीछे में स्मोक वगैरह कर देता हूँ। उसके बाद बंदा दिख जाता है, देखो आराम से यहाँ पे खेल रहा था इस वाले बंदे को, थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ मैं। तो यार डैमेज करने के बाद यहाँ सीधा रश मार देता हूँ, पर बंदा जल्दी दिखता नहीं है मुझे। तो यहाँ पे बंदे के हाथ पर जो है यहाँ पे दिख जाती है, पर इस वाले बंदे को पूरा मार देता हूँ। तो बंदा यार आराम से फैल रहा था, शायद मैं यहाँ से भागता तो यार बंदे को दिख जाता था मैं, सामने से मुझे गाड़ी दिख जाती है, मुझे फायर करके बंदे को बुलाना चाहता था, पर यार यहाँ से साइड से और एक गाड़ी आ जाती है। पर यह बंदा यार उन वाले बंदे को मारने के लिए जैसे ही भागते हुए जाता है, यहाँ पीछे से बंदे को पेल देते हैं। उसके बाद गाड़ी वाले बंदे भी यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे दो बंदों को यहाँ पे नॉक कर चुका था मैं, उसके बाद AWM निकालता हूँ, तो यहाँ पे बॉडी मार बंदे को पूरा मार देता हूँ। तो बंदे के यार साथ तो बहुत बड़ा वाला लॉल हो गया। तो इन वाले बंदों को मार गया, जैसे यहाँ मैं आगे आता हूँ यहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है, जो कि यहाँ पे M249 चलाया जा रहा था। इस वाली बंदे की M249 जो थी रिलोड आने तक यार इस गाड़ी घुमाई जाता हूँ, जैसी गन इसकी रिलोड पे आती है अटैक कर देता हूँ। पर बंदा यहाँ पे गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका था, इस वाले बंदे को यार गाड़ी से ही उड़ाना का मतलब उड़ाना चाहता था, पर बंदा यहाँ पे निकल जाता है और ग्रोजा निकाल के आता है। उसके बाद इसका दूसरा बंदा भी दिख जाता है, पर यहाँ पे मेरी 1 HP हेल्थ थी, यार पहली फुर्सत में पीछे आके हेल्थ वगैरह लगा लूँगा, उसके बाद उस वाले बंदे को देखूँगा। तो बंदा यहाँ पे पास आ चुका था, मेरे को फुट स्टेप भी आ रहे थे, जो कि बाद में मुझे दिख जाता है, जो कि यहाँ पे फैल चुका था, जो कि इसकी खोपड़ी भी दिख जाती है। इसको यहाँ पे हेडशॉट मार के चिकन डिनर निकाल लेता हूँ। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऐसी बकचोदी मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।